इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो 20,000 के अंदर आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद सकते हो अच्छा सा। तो हम इसमें अंडर 20,000 के बात करने वाले हैं, कौन सा स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो, बेस्ट कौन सा है। अभी जनवरी 2020 में भी आप खरीद सकते हो, तो अभी तक ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुए, लेकिन आप खरीदने का बना रहे हो तो कौन से स्मार्टफोन खरीदे जनवरी में, तो अभी बता देता हूँ मैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे आप टेक्नोलॉजी के ऊपर अपडेट होगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना। और चलो फिर चलते हैं, स्मार्टफोन की मैं बात कर लूँ तो वीवो S1 Pro, ये स्मार्टफोन आपको बताइए वो 4 जनवरी को लॉन्च हुआ था, मैंने टेक्निक में बताया था। तो आखिरकार ये भी एक स्मार्टफोन है, आप खरीद सकते हो अभी। तो मैं बता दूँ ये 19,990 रुपये में आपको देने को मिलता है, 8 GB 128 इंटरनल स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और पीछे के साथ क्वाड कैमरे देखने को मिलते हैं, 48 का प्राइमरी देखने को मिलता है, वाइड एंगल, डेप एंगल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और सेल्फी के लिए आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो और एंड्रॉइड 9 पे काम करता है, बहुत कुछ काम होता है, डिस्प्ले, ये सब मैंने टेक्निक्स में बता दिया है, तो मैं इसमें कवर नहीं करने वाला। अगर आप खरीदना चाहते हो अंडर 20,000 का बजट है तो आप वीवो S1 Pro भी खरीद सकते हो, एक मस्त स्टाइलिश फ़ोन आप बोल सकते हो, स्टाइल में एकदम मस्त है। तो दूसरे स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो शाइमी का रेडमी नोट 8 प्रो, ये स्मार्टफोन भी बहुत बिका था अमेजोन साइड पे और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था इस स्मार्टफोन पे, बहुत अच्छा ये बिका था। और गेमिंग स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी ये अच्छा स्मार्टफोन बोलते हैं। तो इसमें आपको मीडियाटेक का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिला था, मीडियाटेक का हेलोबिन G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिला था। इसमें 4,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, 64 का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 20 का आपको शूटर कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और फिर ये 6 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस आपको 14,990 रुपये की देखने 999 रुपये की देखने को मिलता है सॉरी। और वहीं अगर जाते तो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज तो 17,999 रुपये आपको देखने को मिलता है, ये प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। और एक 50 अच्छा स्मार्टफोन बोल सकते हो शाइमी का रेडमी नोट 8 प्रो, तो अगर खरीदने की सोच रहे हो तो ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी M30S, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसके स्पेक में बात कर दूँ आपको, इसमें 6,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 15 W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, पीछे आपको ट्रिपल कैमरा देखने मिलता है, 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, 48 का प्राइमरी कैमरा, और फ्रंट की मैं बात करूँ तो शायद 16 का आपको मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और इसमें शायद 1 X का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप मैं बात करूँ तो इसमें 4 GB रैम तो ही वारंटी देखने मिलती है, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस है 13,999 रुपये, और 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज ये शायद आपको 16,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी M30S ये भी आप खरीद सकते हो, इसमें 6.4 इंच की साइज डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है Full HD। स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो रियलमी X2, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, इसमें 4,000 mAh बैटरी, 30 W का आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, और गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इसके पीछे क्वाड कैमरा देखने को मिलती है, 64 का प्राइमरी कैमरा, 8 का आपको देखने को मिलता है, 32 की सेल्फी देखने को मिलती है, 6.4 इंच की Full HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है शायद 16,999 रुपये से ये फोन स्टार्ट होता है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो स्मार्टफोन को भी खरीद सकते हो। और वही अगर मैं बात करूँ तो रियलमी XT के ऊपर भी जाना चाहते हो तो अच्छा जा सकते हो, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप नॉर्मल यूज़ में लेते हो तो रियलमी XT भी आप खरीद सकते हो। स्मार्टफोन की बात हो तो शाइमी का रेडमी K20, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन था रेडमी K20, ये भी बहुत बिका था। मैं बता दूँ इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 20 MP का, और वहीं मैं बात करूँ तो पीछे के साथ 3 कैमरे आपको देखने को मिलते हैं, 48 का और शायद आपको 8 का और 13 का कैमरा देखने को मिलता है। और वहीं मैं बताऊँ 4,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, एंड्रॉइड 10 पे भी ये काम करता है, और बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है शायद 19,999 या 19,990 रुपये में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है शाइमी का रेडमी K20, अगर खरीदना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन भी आप खरीद सकते हो। स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी A50s, ये स्मार्टफोन पे भी आप जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी A50 का ये अपग्रेड वर्जन आपको देने को मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी A50s, इसमें आपको 6.4 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने को मिल सकती है, 4,000 mAh की बैटरी देने को मिल जाती है, और ये 4 GB रैम एंड 6 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलता है। और वहीं अगर इसकी प्राइस पे जाते हो तो आप शायद 19,999 रुपये में आपको देखने को मिलता है, और पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 48 का प्राइमरी, और शायद इसका 32 का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है।
स्मार्टफोन की बात करें तो ओप्पो A920 ये स्मार्टफोन भी आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन बोल सकते हो। अभी तो आप खरीदना चाहते हो तो इसमें 6.5 की फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, पीछे आपको क्वाड कैमरे देखने को मिलते हैं, 48 का प्राइमरी देखने को मिलता है, और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और ये सब आपको देखने को मिलता है। कलर ओएस पे ये काम करता है, और जिसकी प्राइस रखी गई है 4GB RAM, ये 8GB RAM में भी आपको देखने को मिलता है। जो 4GB RAM है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 15,990 रुपये। अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो, ओप्पो A920। स्मार्टफोन की बात तो Realme 5 Pro, अगर आप 15,000 के अंदर ही खरीदना चाहते हो स्मार्टफोन, जिससे ज़्यादा नहीं जाना चाहते हो, तो Realme 5 Pro आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हो। इसमें 4035 की आपको बैटरी देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, पीछे क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, 48 का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और वहीं बात हो तो 16 का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और बहुत कुछ आपको देखने तो फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते 15,000 के अंदर ही स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो Realme 5 Pro एक अच्छा स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। अगले स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो Poco F1, ये स्मार्टफोन हम कैसे बोल सकते हो, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। जब Poco F2 लॉन्च हुए तो ये भी एक प्रीमियम सेगमेंट में आप बोल सकते हो, 20,000 के अंदर ही आपको देखने मिलता है Poco F1। स्मार्टफोन में हमें आपको दो वारंटी देखने मिलती है, 6GB RAM एंड 8GB RAM, जो 6GB RAM में आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज, 128 इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज में देखने मिलता है। जो हाई है आप एंड में बोल सकते हो टॉप 8GB RAM एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस 18,999 रुपये ही रखी गई है, तो अभी प्राइस कट आउट हुआ था उसकी वजह से अभी कम में आ गया था। अगर आप खरीदना चाहते हो Poco F1 ये खरीद सकते हो। इसमें स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर आपको देखने मिलता है, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर Poco F1 देखना चाहते हो देख सकते हो, गेमिंग के लिए भी अच्छा स्मार्टफोन आप बोल सकते हो। स्मार्टफोन की मैं बात करता हूँ, अगर नोकिया का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप ये खरीद सकते हो, Nokia 7.2, ये स्मार्टफोन भी आप खरीद सकते हो। इसमें भी सिक्योरिटी अपडेट्स एंड बहुत कुछ बराबर दे रही है कंपनी, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये भी खरीद सकते हो। इसमें 6.3 की फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेस देखने को मिलता है, पीछे के 3 कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, 48 का, 8 का और 5 का देखने को मिलता है, सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर आप नोकिया का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो Nokia 7.2 वाला स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। ये कुछ स्मार्टफोन थे जो अगर आप जनवरी में खरीदना चाहते हो 2020 में, तो अभी भी ये स्मार्टफोन्स आप खरीद सकते हो। तो मेरे को बताना आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगता है, तो अगर बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, वीडियो पसंद डिसलाइक कर देना, डिसलाइक करोगे तो, और पहुंचा पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आप अपडेट होगे। और कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, और एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और मुझे जाके टिकटॉक पर फॉलो कर लेना चाहते हो मोबाइल पर, वहाँ पर भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कुछ आपको डालते रहते। तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, कीप स्माइल, कीप सपोर्ट।